ये हॉस्पिटलों की लापरवाही है। तीन बिल्डिंग साल से हो गए बन के, पर किसने ध्यान नहीं दिया इसमें। चल तो चलते हैं अभी इस तरफ का वाटरफॉल बताते हैं आपको। खुद पता है दोस्तों, मुख्तार भाई से बात करें हमने रात में 1 बजे से, लाइन नहीं है अजंता में। आज जुमे का रोज भी था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, अजंता शहर की ब्रेकिंग न्यूज, आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश। तो वीडियो में आपको हम बताने वाले किस तरीके से बारिश हुई अजंता शहर में, जो जुमा के दिन, माशाल्लाह जुमा की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है और तमाम लोगों को, जितने भी लोग देखते उन्हीं के लिए वीडियो लेके आए हमने अजंता शहर में तूफानी बारिश का। हुई बारिश आंधी तूफान के साथ। ये देखिए इस तरफ सामने कलंदरी मस्जिद है माशाल्लाह, और सभी लोग जो जुमा की नमाज को आए थे सभी लोग मस्जिद में है। अभी इस तरफ देखिए जो नालों को, जो जितना भी है पुल पूरा आ गया है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की बारिश बताते हैं आपको। अभी हम भी थोड़ा भीग गए। ये देखिए दोस्तों बारिश किस तरीके से हो रही है। अभी तो यहाँ मैं तो आपको बता रहा है, देखिए। तो चलते हैं दोस्तों अभी। ये देखिए इस तरफ जो कलंदरी मस्जिद है, सभी नमाजी हमारे मुदस्सिर भाई मज़ा ले रहे हैं बारिश का। तो इस तरफ देखिए। तो पहले दोस्तों आपको बताते हैं खेत तरफ बताते हैं आपको। तो देखते हैं अभी, बहुत ही तूफानी बारिश है दोस्तों, पर फिर भी थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे आपको टेरिस पे से, आप ही के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो सब आपको हर चीज़ बताएंगे। देखिए उधर जलगांव औरंगाबाद हाईवे है, जो पूरे खेतों में पानी तुम गया इस तरफ जो हम बता रहे, तो पूरे खेतों में पानी तुम गया दोस्तों। ये अजंता बस स्टॉप है इस तरफ, तो आप कुछ देख सकते हैं कितना पानी, तूफानी बारिश हुई, जो बारिश के अंदर भी इतना पानी नहीं गिरा, इस तरीके से बारिश हुई। हर खेत में आपको पानी पानी नजर आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अभी, मोबाइल में भी पानी आ जा रहा है। ये देखिए इस तरफ बहुत तूफानी हवा भी है, कैमरे पे थोड़ा पानी भी आ रहा है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो सभी जितने भी लोग जो नमाज के लिए आए थे वो मस्जिद में है सभी। ये देखिए इस तरफ तो कलंदरी मस्जिद में सभी लोग हैं। तो चलते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरफ ये रोड बन गया हमारे अनिल भाई, और तो पानी किस तरीके से आ रहा है ये देखिए। अरे मेरी छतरी गई दोस्तों, मोबाइल छतरी गई क्या, मोबाइल भी चल जाएगा। ये देखिए इस तरफ पानी का तो चलते हैं दोस्तों आपको बताते हैं, बहुत तूफानी बारिश हो रही है ये हमारे। क्या बात है तो दोस्तों हवा भी बहुत है, हो सकता ये हमारे अप्रोच भाई। ये देखिए एक एक लिया को छोड़ रहे हैं। ये देखिए तो दोस्तों अभी इस तरफ देखिए, छतरी उल्टी होगी दोस्तों, छतरी उल्टी होगी उधर। अनीस भाई ने रबाड़ा छतरी उल्टी हो तो बहुत मजा आ रहा पानी का, जो अभी मंडप में पानी पानी है तो इसमें जाने का इनको भाई। ये है कालू दादा हाफी साहब, तो बड़ा मजा आ रहा भाई। ये देखिए ये फयाज भाई पानी का मजा ले रहे, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा मिर्ची को फायदा है क्या? नहीं बहुत फायदा है मिर्ची को, तो हमारे अली भाई भी आ रहे हैं तभी मिर्ची को बहुत फायदा है। तो दोस्तों चलते इधर का नजारा बताते हैं आपको रोड का। तो आज का प्रोग्राम जो हमारे अरबाज भाई का प्रोग्राम है, सरकारी हॉस्पिटल जो बन रहा था वहाँ प्रोग्राम है, सभी को वहीं आना पड़ेगा, वहीं खाना बन रहा है। देखिए रोड पे आ गया सारा पानी, नाले का निकल के रोड पे आ गया। ये देखिए इधर सब मंडप विंडप खुल गए और बहुत से मंडप भी उड़ गए। ये देखिए पानी, गटर का पानी देखिए इस तरफ। ये देखिए दोस्तों बच्चे मजा ले रहे हैं पानी का। तो अजंता शहर की तूफानी बारिश जो अभी हुई, तो हम भी बारिश का मजा ले रहे हैं और बहुत तूफान है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अभी, इधर रिक्शे में कुछ लोग बैठे हुए, मैं तो भीग गया दोस्तों, पर अभी मस्जिद में जाने का है। सभी लोग नमाज को, जितने भी लोग आए थे वही मस्जिद में अभी, तो नमाज जैसी स्टार्ट हुई दोस्तों उसी टाइम पे बारिश, जुमा की नमाज जब स्टार्ट हुई, जब भी बारिश चालू हुई, तो सभी बच्चे भी है अभी, हमारे हफी साहब भी है,
तो सभी बच्चे अभी खेलने वाले हैं ना, पानी का मजा लेने वाले सभी बच्चे। देखिए अभी बताएंगे हम आपको, ये देखिए सभी बच्चे पानी का मजा लेने के लिए आए। तो जा रहा, देखिए बच्चे सभी, देखिए दोस्तों बचपना ऐसा होता है, ये बचपना ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी चलते हैं अभी कलंदरी मस्जिद में, सभी लोग नमाज के लिए आए थे और सभी लोग बाकी है। देखिए कोई भी नहीं गया, सिर्फ मैं ही गया था अभी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई और हमारे तमाम लोग जो नमाज के लिए आए थे यही मौजूद हैं। हमारे बिलाल भाई, मजीद चचा, गप्पार भाई, सभी लोग, इब्रे चचा, चांदका चचा, तमाम लोग जितने भी नमाज को आए थे आज कलंदरी मस्जिद में यही कैद हो गए। जाने की कोशिश थी, जैसी नमाज छुट्टी थी उसी भाग रहे, जैसे हरसल में जाते उस तरीके से छूटने वाले थे सभी लोग। अंदर भी बता देता, अंदर का सीन, छतरी भी उलट गई, छतरी भी उलट गई उधर, मिर्ची सूख गई, मिर्ची तो पूरी आ गई मिर्ची। हमारे मुंते चचा भी है, बहुत मजा लिया बारिश का, क्या बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, अल्लाह की मर्जी है। दोस्तों देखिए इधर सभी, माशाल्लाह पहली बार जुम्मे के दिन इतने लोग रुके हैं पानी की वजह से, अल्लाह की मर्जी है बहुत। तो तमाम लोग हैं यहाँ, देखिए इस तरफ भी माशाल्लाह अच्छी बारिश हुई, तूफानी बारिश हुई, जो बारिश में भी नहीं हुई इस तरीके की। ये हमारे जमील अय्या, कुछ शहद की मक्खियाँ ने बहुत सुझाया, पता दे रहा एक बार, शेख से पंगा लेना बोल देना, बता दे कैसा हाल हो जाता ना। तो ये देखो दोस्तों, शेर से अगर पंगा लिया तो इस तरीके का हाल हो जाता है, तो शेर से पंगा नहीं लेना सभी लोगों ने। ये बैंड बाजा टीम, जो पबजी टीम है, पबजी पबजी फ्री भाई बहुत खेलती। ये हमारे मुख्तार मार्शल है इस तरफ। तो मुख्तार भाई क्या बोलना चाहिए अजंता शहर के बारिश के बारे में? नहीं, अल्लाह का अजाब है। अच्छा, होना चाहिए नहीं। अच्छा, बहुत सही है, गारा गिरे पर अजंता में भी गारी नहीं गिरी, ऐसा नहीं अभी की। अच्छा, हवा कम है और बारिश गिर रही है। अच्छा, लाइन वाले के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लाइन वाले अजंता में मुर्दार लोग रहते हैं। हाँ, लाइन वाले कोई बोलता नहीं। मैंने रात को 2 बजे कॉल किया, अभी कॉल किया तो बोले 2 घंटे में आएगा, फिर बारिश आएगी तो पूरा भी आएगा नहीं बारिश। अच्छा, अभी तो कितना टाइम हो गया? अभी 2 बजे रात से, अभी तक 1 बजे रात से लेट गई हुई है। 1 बजे रात से अभी तक कितना टाइम हो गया? अभी 13 घंटे हो गया है। अभी 13 घंटे, अब ये 2 दिन लगा लगता। हाँ, अब कब आती क्या पता लाइन? उन्होंने मेरे को बताया तो 2 घंटे बाद आएंगी लाइन, पर अभी बारिश की बोलेंगे नहीं आई है। अच्छा, जो बार बार थोड़ी सी भी हवा ही तो बंद कर देते हो? वो बोलते फाल्ट हो जाता है, हमारा घाट में रास्ता है, जंगल में कुछ भी लग जाता है। बोले तो इनका इंतजाम सही करना चाहिए ना। बताया उनको, बोला उनको अभी, बोले तुम इंतजाम करो बारिश नहीं है, ये प्रॉब्लम दुपटाने में। अगर बारिश में प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हाल होगा फिर? तो ये दोस्तों देखिए इस तरफ जो सभी मस्जिद, माशाल्लाह जो पानी नहीं आ रहा है। तो चलते हैं, थोड़ा बताते दोस्तों, छतरी भी उड़ जा रही है हमारी, पर फिर भी आपको पूर बताते, इधर का पूर जो आने वाला है वो पूर बताते आपको। ये गंदे नाले को जो पूर आता है, बस स्टॉप का पानी आता है और बहुत दूर से पानी आता है। इसको जो दिख रहा है आपको नाला है, ये बहुत दूर से तालाब के पास से पानी आता है इसको और ये पहाड़ में जाता है। तो अभी छतरी उलट भी सकती है दोस्तों, ये देखिए बिजली भी हो रहा है कलंदरी मस्जिद में हम। तो दोस्तों ये देखिए, आवाज़ तो आ रहा होगा तुमको बादल गरजने का। तो दोस्तों यहाँ बारिश हुई बहुत, देखिए जो नदी नाले एक हो गए। फखरू भाई भी बारिश का मजा ले रहे नाले का। तो फखरू भाई भी आ गए कुवागुर नदी का बताने वाले, क्योंकि गाल निकालने के टाइम पे जो मोहरी थी नदी की वो फोड़ दिए थे सभी, जो वहाँ के गाल निकालने वाले ने। आज अगर वो गाल नदी के सही रहते थे, नदी फूल रहती थी आज, पर फिर भी आपको नदी का बताएंगे हम। चलते उधर उस तरफ नदी के तरफ, और ये नाले को कितना फूल आया ये भी बताते। आज का प्रोग्राम यहाँ जो हम बताने वाले हैं आपको, ये देखिए इस तरफ सरकारी हॉस्पिटल का काम भी बहुत सालों से रुके हुआ है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये आपको बताने वाला वागुर नदी के जो नज़ारे आपको हम बताने वाले हैं। तो फुल बारिश में आपको हम बता रहे हैं,
तो ये सारा पानी पहाड़ में आ रहा और पहाड़ को इस तरफ से जो पूरा आ गया उधर, ये इस तरफ से आता है, ये देखिए इस तरफ से, तो हॉस्पिटल जो कि बहुत सालों से काम रुके हुआ, इसका कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ के सियासतदान कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इस पर। देखिए इसमें पानी किस तरीके से आता है वो भी बता देंगे आपको, बारिश का पानी पहले यहाँ का हॉस्पिटल का, ये लापरवाही, बारिश का पानी देखिए किस तरीके से आता, ये देखिए बारिश का पानी। तो कौन से इंजीनियर ने बनाया था उसको अवार्ड देना चाहिए, इंजीनियर को गिनीज बुक में अवार्ड देना चाहिए। देखिए ये सारा पानी कहाँ से आ रहा पानी, देखिए तो ये पूरा पानी पानी है। और हॉस्पिटल का वीडियो आपको हमने बोले बनाने की, वो भी बनाएंगे आपके लिए। तो इस तरीके की लापरवाही है, ये पानी आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ के ना कोई ध्यान नहीं दे रहा यहाँ के हॉस्पिटलों पे, लापरवाही है सभी हॉस्पिटलों की। यहाँ ये नया काम कई सालों से रुक के पड़े हुए हैं, कई कठोर कई पैसे इसमें गवर्नमेंट डाल देती है और लापरवाही के काम बंद हो जाते हैं। तो चलते हैं अभी नदी की तरफ, अगर ये भी बात बोले हम जो नदी का गाल निकाले दोस्तों, वो गाल अगर गेट बंद करते थे तो आज नदी दोनों वागुर नदी फूल रहती थी और तमाम क्षेत्रों का फायदा होता था उसमें मिर्ची के लिए। पर दोनों नदी के गेट खुले हैं, जो गाल निकालने वाले दोनों नदी के गेट फोड़ डाले, ये भी पंचायत को मालूम नहीं है। दोनों नदी के जो गेट फूटे हुए वो भी पंचायत को मालूम नहीं है। तो यहाँ लापरवाही तो आप समझ सकते हैं कितनी लापरवाही है। ये इधर देखिए पहाड़ है, इलाका है, एक बार बस तीन बिल्डिंगें तैयार हो गई बन के, और उधर ग्रामीण रुग्णालय उस तरफ है। और बहुत हवा आ रही, तूफानी हवा आ रही, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे। तो देखिए दोस्तों, और यहाँ जो नज़र आ रहा है आपको, इसकी भी मैं तो मेरा बचपन है देख रहा, आप अगर कब से देख रहे हैं गेटों की लापरवाही। शिवना गेट में से भी पानी, ज़्यादा बारिश हुई तो पानी इसमें से पजरता है पानी पूरा। और यहाँ के भी झाड़ों देखे, अभी छतरी हमारी उलट गई, छतरी तो बच गया, मोबाइल भी बच गया दोस्तों। सभी यहाँ खड़े, ठंडी का मजा ले रहे, पानी का, बारिश का, बेल मौसम बारिश। तो दोस्तों छतरी भी उलट रही है, तो अभी पानी बता सकते हैं आपको हम। देखिए इसमें, ये देखिए अगर नदी में ये गेट अगर बंद रहते इसके, तो का खूबसूरत नज़ारा वागुर नदी का। और ये रोड का भी, ये रोड की भी लापरवाही है, रोड कब से काम रुके हुआ इसका। अगर इससे पानी, यहाँ से पानी अगर नीचे जाता कमाना में गेट में, तो ये ब्रिज गिर भी सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि लापरवाही है। आपको बताता मैं, चलते हैं अभी नीचे। और यहाँ कचरा भी बहुत लाके फेंक रहे थे कि अंडे वाले जो वहाँ दुकान लगाते हैं चौक में, अंडे वाले, इस तरफ देखिए। तो अभी दोस्तों अगर ये पानी अगर पूरा आपको नज़र आ रहा है, इतनी तूफानी बारिश हुई है अजंता शहर में, अगर ये नदी के जो गाल वाले जिसने गाल निकाला था, अगर उसका पानी जब मोहरी बंद करते थे तो पूरा पानी जो दोस्तों फुल हो जाती थी नदी अभी तक, वो भी बता देते आपको। हर जगहों से आपको पानी ना पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि इतने बारिश में इसलिए आए हम आपके लिए, क्योंकि आपको सब सही बताना चाहिए। तो बहुत से वीडियो हमने बनाए हुए भी है, वो भी अपलोड करेंगे आपके लिए, जो बारिश के यहाँ से वाटरफॉल है, जो बारिश का सीन रहता है बारिश के टाइम में, बहुत से वीडियो हमने बनाए हुए वो भी अपलोड करेंगे आपके लिए। आपने सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ से जो जितने भी गाल निकाले हुए, ये इनकी गलती है गाल वालों की, मोहरी बंद करना चाहिए था इनको। ये देखिए इस तरफ वो पानी कमान में से आ रहा, देखिए दोस्तों वो रोड ना बनने के कारण इस तरीके का हाल है। तो चलते हैं अभी आपको इस तरह का नज़ारा बता दें पहाड़ में, तो देखिए जो पहाड़ में पूरा आ गया, ये देखिए इस तरफ, और ये पानी कहाँ से जा रहा है ये भी बता देते आपको हम। तो ये रद्दी वाले और जो जिसने गाल निकाला उसकी लापरवाही की वजह से सारा पानी वैसे जा रहा है पहाड़ के अंदर। ये देखिए यहाँ से जब गाल निकालते वक्त जो यहाँ से फोड़े हुआ है सब, ये देखिए इस तरफ,
तो दोस्तों इसके बाद कितना पानी बह रहा है और कितने अजंता वागुर नदी वाटर पार्क और किस तरह से लोगों की मुश्किलात बढ़ते जा रही है बारिश के पानी की वजह से और कितना क्षेत्रों को नुकसान हुआ ये भी आपको हम बताएंगे। और पानी स्टॉक नहीं हुआ वागुर नदी में, ये पहाड़ का नजारा, इसका दूसरे पार्ट में आपको खूबसूरत नजारा बताने वाले हैं।